हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो रोटेट के बारे में, जैसे कि हम ऑटो रोटेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ऑटो रोटेट। तो ऑटो रोटेट को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा ऑटो रोटेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने YouTube ओपन कर लिया। YouTube ओपन करने के बाद आपको जैसे ये ऑन हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मेरा ये रोटेट हो गया, ये देखिए रोटेट करके चला रहा हूँ। इसी तरीके से आप किसी भी सेटिंग को रोटेट करके चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और तरीका है, उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेटिंग पे, सर्च वाले ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए ऑटो रोटेट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे और यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।